जिनके पास हज के पैसे हैं हज पर जाते नहीं, जब मौत आएगी ईमान पर नहीं आएगी। अल्लाहु अकबर। आज समय है इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम के जिहाद के खिलाफ पूरी धरती को एकजुट करने का, पूरी धरती को लामबंद करने का। मुझे हिंदू राष्ट्र बहुत बड़ा स्वप्न है, वीर सावरकर का स्वप्न है, शिवाजी का स्वप्न है, लेकिन जो सपना हम सबकी आंखों में होना चाहिए, केवल अफगानिस्तान तक नहीं, हमें मक्का के उस मंदिर को भी लेना होगा जहां महादेव का, जहां महादेव की गंगा जमजम के रूप में बहती है। अगर आपके पूजा स्थलों में मक्केश्वर महादेव का मंदिर नहीं आया, अगर आपने मक्केश्वर महादेव को नहीं जीता, तो धरती की कोई भी ताकत इस्लाम को कमजोर नहीं कर सकती। कि पूरी दुनिया की इस्लाम मुखालिफ ताकतें जब हज का दिन आते हैं तो इस बात पर हैरत अंगेज होती हैं कि उन्होंने इस्लाम के मुकाबले में बड़ी बड़े प्रोपगंडे लेके आए, इस्लाम को दहशत गर्दाना मजहब बनाने की कोशिश की, मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की, मुसलमानों पर झूठे इल्जाम लगाने की कोशिश की, लेकिन ये सिर्फ बैतुल्ला है कि पूरी दुनिया के करोड़ों मुसलमान अगर किसी तरह मुंह करके नमाज पढ़ते हैं तो वह बैतुल्ला है। पूरी दुनिया के करोड़ों मुसलमानों का अगर कोई मरकज है तो वह बैतुल्ला है। पूरी दुनिया के मुसलमान दीवाना वार किस घर की तरफ दौड़ते हुए चले जाते हैं तो बैतुल्ला है। दुनिया की कोई ताकत बैतुल्ला जैसा मरकज ना अब तक ला सकी है ना क्यामत तक ला सकेगी इंशाल्लाह। कोई है ऐसा मरकज? दुनिया का कुफर हैरान है कि मुसलमान चाहे शामी हो, तुर्की हो, सांवला हो, गोरा हो, काला हो, चीनी हो, मलाया हो, अफ्रीकी हो, किसी के पास कायनात में मोहम्मद रसूलल्लाह ने ये जो मरकज मक्का मुकर्रमा में बैतुल्लाह का जो कायम किया है, ये एक ऐसी मरकजियत कायनात के मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने तोहफे के तौर पर दी है कि दुनिया की ताकतें सब कुछ ला सकती हैं, बैतुल्लाह के मुकाबले में कोई मरकजी जगह कायनात के अंदर कोई दूसरी नहीं बनाई जा सकती है। बंदा हज करने के लिए जाता है तो कैसा सफर है ये हज का? हज के सफर के आप अंदाज देखें, सारी जिंदगी एक मुसलमान दुआएं करता है कि मैं हज पर जाऊं, मेरा मौका मिल जाए हज पर जाने का, और जब बंदा हज पर जाने की टिकट लग जाती है, वीजा लग जाता है, तो जब हज पर जाने का वीजा लग जाता है, जब टिकट लग जाती है, तो हाजी क्या करता है जी? हाजी सिर्फ कपड़ों की तैयारी नहीं करता, हाजी सिर्फ साजो सामान तैयार नहीं करता, हाजी सिर्फ अपने सर पे बांधने के लिए पगड़ी या पैरों में पहनने के लिए बेहतरीन जूते नहीं खरीदता, हाजी अपने अटैचिंग में तरह तरह का सामान भरने की कोशिश नहीं करता। हाजी जब उसको पता लगता है कि मुझे मेरे रब ने बुलाया है तो रब के घर को देखने का इश्तियाक ऐसा है, अल्लाह के हुजूर पेश होने की मोहब्बतें ऐसी हैं, ये जुनून ऐसा है, ये इश्क ऐसा है कि बार बार अपने गिरेबान के अंदर झांकता है कि अब्दुल रहमान अगर किसी का दिल दुखाया तो माफी मांग ले, कि जुनैद अगर किसी के साथ ठगी मारी है तो उसका माल वापस कर दे, अगर किसी के साथ ज्यादती की है तो उससे सुलह कर ले, अगर किसी के साथ धक्का मारा है तो उससे माफी मांग ले। हाजी हज पर जाने से पहले अपने कपड़ों को पाक करने से पहले अपने तन को साफ करता है। ये सिफ्त भी अगर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी इबादत के अंदर रखी तो हज बैतुल्लाह के अंदर सबसे ज्यादा रखी है। और जो बंदे पैसे होने के बावजूद, सुने वो लोग भी सुन लें, जो हज करने के लिए अभी तक गए नहीं, क्यों नहीं गए? बेटी की शादी करनी है, बेटी की शादी कर दी, अब क्यों नहीं गए? बेटे की शादी करनी है, बेटे की शादी कर दी, अब क्यों नहीं गए? दुकान सेट करनी थी, दुकान सेट कर दी, अब सारी हड्डियों का जब जूस निकल गया, 70-80 साल के हो गए, अब सोचते हैं कि हज पर जाएं तो नंबर नहीं लग रहा।
जिसको अल्लाह ने इतना माल दिया कि उसके पास अपना घर है, और उसके बाद आज के दौर में अगर सिर्फ 10 लाख रुपए उसके खाते में पड़े हैं, सीधा देसी मसला समझ लो, 10 लाख रुपए खाते में पड़े हैं, साल गुजर गया फिर पड़े हैं, अब ये बहाने करता है कि बेटे की शादी, बेटी की शादी, हज इस पर फर्ज है। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर फरमाया, जिस बंदे पे हज फर्ज हो गया और उसने जानबूझकर इस फर्ज की अदायगी नहीं की, फरमाया अब चाहे मजूसी हो के मर जाए, चाहे यहूदी हो के मर जाए, इतनी सख्त वईद है उन लोगों के लिए जिनके पास हज के पैसे हैं, हज पर जाते नहीं, जब मौत आएगी ईमान पर नहीं आएगी, कि कोई मामूली बात नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुसलमान को वुसअत दी हो, जज्बा दिया हो, पैसे आ गए हो इतने। और ये तो शौक की भी बात है, कईयों के पास पैसे भी बहुत हैं, दिल नहीं करता, असल में पैसे के जराए भी दुरुस्त होने चाहिए। और कईयों के पास पैसे भी बड़े थोड़े होते हैं, फिर भी बड़ी कोशिश करते रहते हैं। गरीब लोग भी हज के लिए पहुंच जाते हैं, गरीब भी पहुंच जाते हैं, और कई ऐसे हैं क्यामत वाले दिन उनको कहा जाएगा कि तुम्हारा हज हो गया, अल्लाह ने तुम्हें बख्श दिया, वो कहेंगे या अल्लाह हमने तो हज किया नहीं, हमने तो हज ही नहीं किया, हमारे पास पैसे नहीं थे। आवाज आएगी, अच्छा तुम्हें याद है ना जब हाजी हज को जाते थे, तुम हर बार तमन्ना करते थे कि हम भी हज करें, और तुम इस बात के लिए अपने रब के हुजूर रोते थे, तुम्हारी आंखों से आंसू भी बार बार निकलते थे कि काश हमारे पास पैसे होते तो हम भी हज करते, वो तुम्हारी जो नेक नीयत थी अल्लाह ने उसी को हज का नेमुल बदल कर दिया, अल्लाह ने उसी के ऊपर हज का सवाब अता फरमाया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।